तारीख 4 अगस्त सन 2022 दिन गुरुवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर पॉडकास्ट, मतलब चीन, अमेरिका और ताइवान के बीच मचे घमासानी त्रिकोण पर दो टूक खरी खरी बेबाक बात। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त हम जवान संजीव चौहान। नाटो देशों की बैसाखियों पर चलने वाले यूक्रेन से बच्चे को रूस से ताकतवर देश के सामने अड़ाने के बाद हुई तबाही से जब घाघ और मक्कार अमेरिका का दिल नहीं भरा तो उसने अब ताइवान की गलियों में पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया है। यह शोर सुन तो दुनिया रही है। ताइवान की गलियों में अमेरिकन्स की कदमताल की आवाज से नींद में खलल पड़ रहा है, मगर सिर्फ और सिर्फ चीन की, या यूं कहूं कि ताइवान के भीतर अमेरिकियों की चहलकदमी ने बेचैन चीन को कर रखा है तो भी गलत नहीं होगा। दो दिन पहले जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की मंजी हुई और बुजुर्ग स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान की सैर करने के चक्कर में वहां का चक्कर लगाकर क्या वापस लौटी, तभी से मानो चीन के पोर पोर में पैदा बेइंतहा दर्द उसे चैन से सोने तक नहीं दे रहा है। नैंसी पेलोसी के खौफ का आलम यह है कि दुनिया का दादा बनने का शौकीन और ताइवान झपटने के लिए लार टपका रहे चीनी हुक्मरान सोने की बात तो छोड़िए, जागते जागते ही चीख और चौंक पड़ रहे हैं इस खौफ से कि कहीं ताइवान पहुंची अमेरिका की ये बुजुर्ग महिला नैंसी पेलोसी उनके देश यानी चीन की सीमा में तो नहीं घुस गई है। किसी को भी शर्मसार कर डालने वाले खौफ का ये आलम उस चीन के दिलो दिमाग पर कब्जा जमाए हुए है। दुनिया का दादा बनने के सपने संजोए जो चीन ताइवान के चक्कर में अमेरिका की फिरकी में अपनी गर्दन फंसाने की बेतुकी जिद पर तुला बैठा है। सोचिए, जब एक अदद बुजुर्ग अमेरिकी महिला की ताइवानी यात्रा ने चीन को इस कदर खौफ के साए में लापटका है तो अगर ताइवान की हिफाजत में अमेरिका अपने लाओ लश्कर के साथ चीन के सामने जा खड़ा हुआ तब चीन की दहशत का आलम क्या होगा। बहरहाल अमेरिका का भले ही चीन से सीधे सीधे कोई वास्ता ना हो, मगर ताइवान और चीन के बीच मची धींगा मुश्ती में अमेरिका जरूर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सा नाचता फिर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रूस और यूक्रेन को भिड़ाने से पहले अमेरिका नाच गा रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने से पहले के दिनों में दुनिया समझ और कह रही थी कि जंग नहीं होगी, मगर इकलौता अमेरिका कह रहा था कि जंग होने वाली है, मतलब तमाम दुनिया अमेरिका के सामने झूठी साबित हो गई। 24 फरवरी सन 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होते ही ऐसे में सवाल ये पैदा होना लाजमी है कि क्या चीन और ताइवान के बीच मचे घमासान में भी अमेरिका उसी भूमिका में होगा जिस भूमिका में रूस और यूक्रेन के बीच रहा, मतलब मजबूत रूस के सामने अदना से यूक्रेन को अड़ाकर जैसे अमेरिका खुद पीछे हटकर नदारद हो गया, या फिर जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में राजकाज संभालने के चक्कर में फंसकर 20 साल तक वहां अपना गोला बारूद खजाना और बेकसूर बहादुर रणबांकुर सैनिकों को गंवाता लुटाता रहा। अंत में 20 साल बाद अमेरिका को उसी अफगानिस्तान की सरजमी से रातों रात सिर पर पांव रखकर भागने का मौका तक नसीब नहीं हुआ। बहरहाल आज के वक्त में ताइवान को लेकर चीन के तलख होते रुख के बीच यह सवाल जमाने के सामने उछला हुआ है कि क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ देकर चीन का विरोध करेगा। इस सवाल के जवाब को लेकर फिलहाल दुनिया कई हिस्सों में बटी हुई है। कुछ का कहना है कि जिस तरह से बीते 40 साल से चीन के चंगुल से अमेरिका ताइवान को बचाने के चक्कर में पापड़ बेल रहा है तो भला अब जब चीन ताइवान को कब्जाने की नीयत से उसे घेरेगा तो फिर अमेरिका चुप कैसे बैठा रह सकेगा, क्योंकि चीन के लिए जितनी अहमियत ताइवान रखता है अमेरिका के लिए भी ताइवान उतने ही काम का है। अगर चीन के झपट्टे में ताइवान अमेरिका की गोद से छिटक जाता है तो ये अमेरिका को डूब मरने वाली स्थिति होगी। अमेरिका की वो दादागिरी जमाने के सामने चीन की जमीन पर धूल फाकती नजर आने लगेगी और फिर दुनिया में ताइवान के फेर में फंसकर चीन के हाथों खामोश कर डाला गया अमेरिका अपनी ही नजरों में जीने के काबिल नहीं बचेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि छोटे से ताइवान पर हकदारी की हड़बड़ाहट में चीन और अमेरिका को बेहद सोच समझ कर ही कदम उठाना होगा। अमेरिका हालांकि चीन को लगातार उकसाने में जुटा है ताकि चीन और ताइवान ताव में आकर जब भी जंग मैदान में कूदे तो उसका ठीकरा अमेरिका के सिर न फूटकर चीन और ताइवान के सिर पर ही फूटे, मगर भारत ऐसे हालात सामने आने देने से हमेशा बचेगा और बचाएगा, क्योंकि ताइवान के चाहत में अंधे चीन और बोराए फिर रहे अमेरिका का आमना सामना होने पर भारत भी भला खुद को अपने आप में समेट सिकोड़कर कैसे रख पाएगा। मतलब साफ है कि खिसेहट में जिद्दी चीन ने अगर ताइवान की सीमा में झांक कर देखने की जरूरत की तो अमेरिका लाखना चाहते हुए भी मजबूरन ही करो और मरो की स्थिति में आ खड़ा होगा अपनी इज्जत या फिर कहिए खाल बचाने के लिए। अमेरिका को ताइवान की सीमा पर चीन के सामने जाकर अड़ना मजबूरी होगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह भी तय है कि ताइवान को लेकर चीन द्वारा शुरू की गई जंग
अमेरिका और चीन के बीच की सीधी जंग में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। मतलब अमेरिका ने जैसे रूस के सामने यूक्रेन को अड़ाकर बाद में अपने घर की छत पर बैठकर ताली बजा बजा कर तमाशा देखा, वैसा ताइवान के चक्कर में फंसे चीन के मामले में अमेरिका नहीं कर पाएगा। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को पॉडकास्ट में आज दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात में रिलॉट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर पॉडकास्ट की इस कड़ी को शेयर करने के बाद टीवी9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।